नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर माधव शर्मा खुश जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। 26 जनवरी 2022 वार बुधवार के पंचांग को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने भी हमारा खुश जीवन राशिफल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियोज आप तक पहुँच सकें। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट भगवान का नाम अवश्य लिखें। सबसे पहले 26 जनवरी के पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए, पंचांग शुरू करने से पहले हम जानते हैं आज के दिन किन देवी देवता की पूजा हमें करनी चाहिए। तो आज के दिन गणेश भगवान की पूजा विशेष शुभ और लाभप्रद मानी गई है। ओम गं गणपतये नमः मंत्र का जप सभी को अवश्य करना चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं पंचांग की। वार बुधवार, विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943, माह माघ माह, पक्ष कृष्ण पक्ष, तिथि नवमी तिथि, नक्षत्र स्वाति नक्षत्र जो कि सुबह 10:05 तक रहेगा, उसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। योग गंड योग जो कि अशुभ योगों की गिनती में आता है। बात करें करण की, तैतिल करण शाम 5:33 तक रहेगा, उसके बाद ग्रह करण प्रारंभ हो जाएगा। आइए बात करते हैं सूर्य और चंद्र से संबंधित गणनाओं की। सूर्योदय प्रातः 7:16, सूर्यास्त शाम 5:50। सूर्यदेव मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। चंद्रोदय सुबह 12:57, चंद्रास्त की बात करें दोपहर 12:56। चंद्र राशि की हम बात करें तो चंद्रदेव तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। आइए अब हम बात करते हैं शुभ समय की। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:40 से सुबह 6:28। अपने ईष्ट देव की आराधना, उनका मंत्र जप, आराध्य भगवान की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में हमें अवश्य करनी चाहिए। बात करें अभिजित मुहूर्त की तो आज कोई भी अभिजित मुहूर्त नहीं है। तो आज के दिन अगर हमें अपना कोई भी शुभ कार्य शुरू करना है तो हमें शुभ चौघड़िये के साथ शुभ लग्न भी देखनी होगी। आइए प्रारंभ करते हैं दिन के चौघड़िये। शुरुआत करते हैं सूर्योदय से। सुबह 7:16 से सुबह 8:35 लाभ का चौघड़िया शुभ समय है, अच्छा समय है। लाभ के बाद अमृत 8:35 से 9:54, अच्छा समय है, शुभ समय है। अमृत के बाद काल 9:54 से लेकर और 11:14 तक काल का चौघड़िया रहेगा। काल का चौघड़िया अशुभ चौघड़िया है। काल के बाद शुभ 11:14 से लेकर दोपहर 12:33, अच्छा समय है। शुभ के बाद रोग 12:33 से लेकर और 1:52 तक रहेगा, अशुभ चौघड़िया है। रोग के बाद हम बात करें उद्वेग 1:52 से लेकर 3:12, अशुभ चौघड़िया है। उद्वेग के बाद चर 3:12 से लेकर शाम 4:29 तक चर का चौघड़िया रहेगा, सामान्य समय है। चर के बाद हम बात करें यहाँ पर लाभ, तो शाम 4:29 से लेकर शाम 5:50 तक लाभ का चौघड़िया रहेगा। इन सभी चौघड़ियों में शुभ, लाभ और अमृत, ये तीनों चौघड़िये शुभ हैं। कोई भी शुभ कार्य हम इन तीनों चौघड़ियों में शुरू कर सकते हैं। आइए बात करते हैं राहु काल और कुलिक काल की। दोनों ही समय अशुभ समय माने गए हैं। राहुकाल दोपहर 12:00 से लेकर 1:30 तक रहेगा। कुलिक काल सुबह 10:30 से लेकर और दोपहर 12:00 तक रहने वाला है। दोनों ही समय में हमें कोई भी शुभ कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। आइए बात करते हैं दिशाशूल, यानी आज के दिन किस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो आज के दिन का दिशाशूल है उत्तर दिशा। फिर भी अगर जातक उत्तर दिशा के अंदर यात्रा कर रहा है तो यात्रा करने से पहले तिल से बने हुए पदार्थों का सेवन वो अवश्य करे ताकि यात्रा के शुभ फल प्राप्त हो। आइए बात करते हैं शुभ राशियों की, कि कौन कौन सी राशियाँ शुभ रहने वाली हैं आज के दिन। मेष, वृष, सिंह, तुला, धनु और मकर। आइए अब हम बात करते हैं आज जो भी जातक जन्म लेंगे उनकी जन्म राशि, नामक्षर और जन्म पाई की। तो आज जो भी जातक जन्म लेंगे उनकी तुला राशि, नामक्षर है ता, ती, तू और ते। जन्म पाई की बात करें तो सभी का ताम्र का जन्म पाया रहेगा। धन्यवाद।